और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में भारत को एक और सफलता मिली है, एक बड़ी कामयाबी भारत के नाम है। क्रिश्चियन मिशेल के बाद इस केस में आरोपी राजीव सक्सेना भी भारत लाया जा रहा है। आपको बता दें कि राजीव सक्सेना को 9 बजे तक दुबई से भारत लाया जाएगा। राजीव सक्सेना के अलावा इस केस के एक और आरोपी दीपक तलवार को भी देर रात भारत लाया जा चुका है। ये एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजीव सक्सेना क्रिश्चियन मिशेल के बाद दूसरा वो शख्स होगा, दूसरा वो आरोपी है जिसका प्रत्यर्पण कराया जा रहा है। तो ये एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब और ज्यादा इस मामले में तस्वीर साफ हो जाएगी। राजू राज इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज, जो अभी अपडेट है आपके साथ वो साझा करें। देखिए, अगस्ता वेस्टलैंड में जो आरोपी है उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले साल क्रिश्चियन मिशेल को लाने के बाद अब सेना और दीपक तलवार को भारत लाया गया है, जिसमें दीपक तलवार देर रात पहुंच गए हैं, और जबकि राजीव सक्सेना 8 बजे या 9 बजे तक जो उनकी फ्लाइट है वो यहाँ पर, तो उसके बाद उन्हें सीधे ईडी दफ्तर जामनगर हाउस लाया जाएगा। वहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था उसमें इनका रोल सामने आया था। इनकी पत्नी को भी पहले गिरफ्तार किया गया, हालांकि अभी वो जमानत पर है। और इसके अलावा जो गौतम खेदान अभी जो ईडी के कस्टडी में है, उनके ये करीबी माने जाते हैं राजीव सक्सेना। तो आप कह सकते हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड में एक बड़ी कामयाबी ईडी को मिली है। राजू राज, क्रिश्चियन मिशेल ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है, सिर्फ ईडी ने कुछ बातें कही हैं जिनको आधार माना गया था। लेकिन आपको लगता है कि राजीव सक्सेना के आने के बाद से जो क्रिश्चियन मिशेल है उस पर भी दबाव पड़ेगा और बातें साफ होंगी? निश्चित तौर पर। देखिए, क्रिश्चियन मिशेल से जो पूछताछ हुई है, हालांकि काफी बातें अभी सामने नहीं आई है, लेकिन राजीव सक्सेना और दीपक तलवार के आने के बाद जो चीजें पूछताछ में सामने आएगी उसे कोलोबरेट किया जाएगा, मिलान किया जाएगा। और राजीव सक्सेना से पूछताछ के बाद कई ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे मामले में खुलकर सामने आएगी कि जो ट्रांजेक्शन हुआ इसको किस किस अधिकारी, किस किस नेता को फायदा पहुंचाया गया, क्रिश्चियन मिशेल से लिंकअप थे, और जो गौतम खेतान है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, हो सकता है उसके आमने सामने बैठा कर पूछताछ करेगी। तो कहीं ना कहीं राजीव सक्सेना और दीपक तलवार के आने के बाद कई और कड़ियां, कई और खुलासे। राजू राज, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें है, जैसे ही कि राजीव सक्सेना को भारत लाया जाएगा तो कितना समय जो ईडी है वो लेगी, किस वक्त कोर्ट में पेश किया जाएगा, कैसे पूरा प्रोसीजर होगा, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, अभी इनको यहाँ पर जो जाम ईडी का दफ्तर जो जामनगर हाउस है यहाँ पर राजीव सक्सेना और दीपक तलवार को यहाँ पर लाया जाएगा, यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद इन्हें अभी जो टाइमिंग है अभी के बारे में अभी कुछ देर के बाद साफ हो जाएगा, जब अधिकारी इस पूरे मसले पर बात करेंगे कि इन्हें दुबई से लाया गया, प्रत्यर्पण संधि के जरिए लाया गया है, तो उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद रिमांड लेने की कोशिश होगी ईडी के द्वारा, उसके बाद तमाम जो इस केस के जो कड़ियां हैं उसे जोड़ने की कोशिश किया जाएगी। लेकिन क्या क्रिश्चियन मिशेल और राजीव सक्सेना को फेस टू फेस बिठाकर पूछताछ हो सकती है, ऐसा भी कुछ है? लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जैसे जैसे दोनों से पूछताछ की जाएगी, अगर वो दोनों जांच में सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि दोनों इस केस में आरोपी हैं, तो दोनों को आमने सामने बैठाया जा सकता है। इसके अलावा गौतम खेतान भी अभी ईडी के कस्टडी में है, तो गौतम खेतान से भी इस पूरे मामले में जो सवाल है उनसे पूछताछ होगी। और आप इस पूरी खबर पर नजर रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए।